करे मुहम्मद आले मुहम्मद बयान फरमा सन सैयदादा की आमद ते बुलंद सलवात वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन सलवात बावाज़े बुलंद पढ़े। तादाद काफ़ी है, सारे साहिबान मिल के बावाज़े बुलंद सलवात की तिलावत फर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बल हुसैन बेहक़ल हुसैन इश्फ़े सदरल हुसैन बेज़हूरल हुज्जत इब्नल हसन अलैहिस्सलाम। या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फराजा आले मुहम्मद। जितना जितना पर्दे वाले मोहम्मद की ज़ियारत के लिए मिल्लत मुस्लिमा का दिल बेकरार है उतनी बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बादो फ़कत काला सुबहानहू फ़ी कलामिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिका युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीन आमनु व आमिलुस्सालिहात। कुल लास्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा व मैं यक्तरिफ हसनतम नज़िद लहू फीहा हुसना इन्नल्लाहा गफूरुन शकूर। सलवात बावाज़े बुलंद पढ़े हम्द है उस इज्जतों वाले अल्लाह के लिए जिसकी हम्द के हर वारिस को ज़माना मोहम्मद कहता है। सलवात पे हक रखते हैं सिर्फ़ और सिर्फ सरकारे अबू तालिब के पाक बेटे कि जिन्होंने अपने अल्लाह को उस वक्त सजदा किया जब अभी तसव्वुरे इबादत मौजूद नहीं था। 3 मुहर्रम अल हराम इस अज़ाख़ाने में सजे हुए इस इज़्ज़तों वाले मिंबर के वसीला से अर्ज़ गुज़ार हूँ अपने उस वारिस के हजूर के जिसकी दावत नबी जैसी, जिसके हाथों में ज़ुल्फ़िकार अली जैसी और जिसकी गैबत खुद अल्लाह जैसी कि मेरा वो सुल्तान काबा की छत पे तशरीफ़ ला के काबा परस्तों को काबा के सहन में इकट्ठा करके कहे कि आओ जो देखना चाहता है देख लो मुहम्मद ऐसे होते हैं। उन्वान आपके जहन में है, कल चले मैं एक बार फिर अर्ज़ कर देता हूँ आयत का तर्जुमा। ज़ालिका युबश्शिरुल्लाहु ये बशारत है, ये खुशखबरी है अल्लाह की तरफ से। खुशखबरी अल्लाह की तरफ से है किन के लिए? इबादहुल्लज़ीना अल्लाह के उन बंदों के लिए जो इबादहुल्लज़ीना आमनु ईमान लाए व आमिलुस्सालिहात और साले अमल किए। कुल मेरा हबीब आप कह दे ला असअलुकुम तुम पे कोई सवाल ही नहीं अलैहे अजरन जो मेहनत रिसालत की मैंने की है उसके अजर के बारे में सिवाय इसके इल्ला के मवद्दत करो मेरे कुर्बा से। अल्लाह कह रहा है मेरा हबीब तू सवाल कर और जो अमले साले के साथ आले मोहम्मद की मवद्दत लेके आएगा अल्लाह कह रहा है मैं उसको इनाम क्या दूंगा। मैं यक्तरिफ हसनतम नज़िद लहू हुसना
तुम मेरे तरफ थोड़ी सी नेकी भेजो, मैं उसे खूबसूरत बना दूंगा। यानी आयत बता रही है कि अगर आले मोहम्मद की मवद्दत दिल में ना हो तो अल्लाह को बंदे की नेकी भी बदसूरत लगती है। नहीं, मैं शायद पहुंचा नहीं सका, वो नेकी भी बदसूरत है जो बगैर मवद्दत आले मोहम्मद के की जाए। सच्ची बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह है ना कि बंदा किसी दर्दी से सूट सिलवा ले और उसे सिलाई ना दे, और वो पहन के बंदा ईद की नमाज पढ़े, अल्लाह वो भी कबूल नहीं करता कि जो सूट पहना हुआ है सीने वाले को उसकी उजरत नहीं दी। दीन सारा ओढ़ लिया है, दीनदार बन गए हो, दीन की उजरत किसने देनी है? ये हमने आले मोहम्मद को मान के कोई एहसान तो नहीं ना करना। कल शायद एक ही लफ्ज पे बात हो सकी थी कि कुल एक बशारत सुनाई थी, गालिबन जहां तक मुझे याद है एक लफ्ज़े कुल पे बात हुई थी, और आज भी शायद इसी कुल पे ही बात हो। ए, पता जे की गल है कोट चौधरी वाले, एक मजलिस च 26 आयतां पढ़ना कमाल नहीं, एक आयत ते 26 मजलिसां पढ़ना कमाल है। पर मैं पढ़ी जावां उहदे ते गल ही कोई ना करां ते फिर फायदा नहीं। मेरा दिल भी आयत का लफ्ज़ लफ्ज़ एक एक टुकड़ा जड़ा है ना, मैं अपने मोसना दे जेन च पा के जाऊं। मालिक ने फरमाया कुल, मुस्तफा ने फरमा दिया कुल। और चौधरी साहब, अल्लाह जब भी बोलता है मुस्तफा की जुबान से बोलता है। जुबान मुस्तफा की होती है लेकिन बोल अल्लाह ही रहा होता है, बोलते वही हैं। लफ्ज़े कुल पे कल बात यहां शायद मैंने रोकी थी कि हमने जिस मुस्तफा के कहने पे उसे अल्लाह माना है, उसी के कहने पे अली को वली माना है। बात याद है ना जी? उसी बादशाह के कहने पे हमने कुछ भी दीन में अपनी मर्जी से नहीं किया, और इसी कुल को ही लेके चलता हूं। कुल हो अल्लाह हो अहद, मेरा हबीब कह अल्लाह एक है। लम यलिद वलम यूलद, कुल हो अल्लाह हो अहद अल्लाह उस समद के वो समद है। कोट चौधरिया वालों, समद किसे कहते हैं? अल्लाह बेपरवाह नहीं है। गवेड़ी परे के सियाने बंदे मेरे सामने बैठे हैं, आपको बात पहुंचाना मुश्किल ही नहीं है। अल्लाह को आपकी इतनी परवाह है कि उसने आपकी मेरी हिदायत के लिए मुहम्मद जमीन पे भेजे हैं। बनाए सारियां तो पहले, भेजे सब तो बाद। इसका मतलब है उसने अपने लिए बनाए थे, बनाए उसने अप लिए थे लेकिन भेजने पड़े। वो बेपरवाह नहीं है। समद किसे कहते हैं? समद कहते हैं उसे जो बेनियाज हो। बेनियाज कौन होता है? जिसे इंतकाम लेने की जल्दी ना हो। इंतकाम लेने की जल्दी किसे है? ए हुण तुहाडे सामने मुल्क दे सियासी हालात ने भी निगरान सैटअप एक बने हैं, ते रोज़ ही कोई ना कोई नवा परचा, रोज़ ही कोई ना कोई नवी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब मकसद की है भी जो होंदा है हुण कर लईए, कल पता नहीं वक्त हमारे हाथ में हो के ना हो। समझ उसे कहते हैं जिसे ये डर ना हो कि पता नहीं कल वक्त मेरा है या नहीं। वो इंतकाम लेने में जल्दी नहीं करता। चलो
फजीलत अली पे मैं पहला जुमला बराए रास्त कह देता हूँ। मैं आपका न वक्त ज़ाया करता हूँ, ना आपको इंतज़ार करवाना चाहता हूँ। समद उसे कहते हैं कोट चौधरियाँ वालों, जिसके इकतदार को किसी से ख़तरा ही ना हो। ये अजीब फिक्र है। एक दिन मस्जिद में बैठ के सरकारे अबू जर रो रहे थे, गिरिया फरमा रहे थे। अबू जर बादशाह, अबू जर का नाम सुना है आपने? मेरे रसूल के सहाबी हैं और इतनी इज्जतों वाले सहाबी हैं कि मेरे रसूल की सच्ची जुबान ने फरमाया है कि ज़मीन ने उस बंदे का वज़न नहीं उठाया, आसमान ने उसके सर पे साया नहीं किया जो मेरे अबू जर से बड़ा सच्चा है। तुसी चौके कम खुला खुला कर दे हो ते उंज गल कोई नहीं। चलो गल तुसा कीती ते मैं अज गल सुनाना इत्थे। मैं नहीं नहीं करने गल, असल पता है की है, मैं मिंबर से वो नाम लेना नहीं चाहता। जो एहतराम से लूँ तो अल्लाह पकड़ ले, बेअदबी से लूँ तो पुलिस पकड़ ले। सुबह वाह, बड़ी गहराई च ये फरमान है जिहड़ा सरकारे अबू जर तिलावत करते सन। तो चलो मैं दो गल्लां अज बादशाह अबू जर ते करदे आं। बजुर्गां मेरा रुख मोड़ दिता है, पता नहीं मैं अपनी मर्जी नाल गल करदा ते करदा या ना करदा। सरकारे अबू जर बादशाह मस्जिद में बैठ के एक दिन रो रहे हैं और कोट चौधरियाँ वालों, जो अपने नौकर को रोता हुआ छोड़ के गुजर जाए उसे अली नहीं कहते। बादशाह अली अमीरुल मोमिनीन ने ना सरकारे अबू जर बादशाह को रोते देखा, चलते हुए तशरीफ़ ले आए करीब। अबू जर क्या बात है, हमारे शहर में हमारे होते हुए तो रू क्यों रहा है? सरकार कहते हैं मौला क्यों ना रोऊं, आंखों के सामने देख रहा हूं कि आपसे आपका इक्तदार छिन गया है। जिस बंदे की तवज्जो है, जिसका ज़हन मजलिस में है, मैंने कहा समद उसे कहते हैं जिसके इक्तदार को किसी से ख़तरा ना हो। कल अर्ज़ किया था कि अल्लाह की सिफतें जितनी हैं वो ज़ाहिर आले मोहम्मद से होती हैं, उसकी समदियत भी तो इन्हीं से ही समझ आएगी ना कि वो समद कैसा है। कोट चौधरिया वालों, जब इसने कहा ना कि मौला मैं ना रहूँ, आपसे आपका इक्तदार छिन गया है, आँखों के देखते सामने आपने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली है, आपके मिंबर पर आपके मसनत पर आपके तख्त पर कोई और बैठ गया है, आपका इक्तदार छिन गया। जब तीसरी बार कहा ना सरकार आपका इक्तदार छिन गया, अली ने यहां से हाथ दे के अबू जर को उठाया, कहा मेरे कुछ सवालों का जवाब दे। अबू जर बता, दिन तलू हो रहा है? कहा जी सरकार हो रहा है। कहा चांद अपने वक्त पे तलू होता है? कहा जी सरकार अपने वक्त पे होता है। कहा चांद और सूरज अपने अपने मदार में अपनी अपनी गर्दिश में रोज अपने मामूल के मुताबिक चल रहे हैं? कहा जी सरकार बिल्कुल चल रहे हैं। अली फरमाते हैं जरा अल्लाह की कायनात में नजर मार के देख, हर जी रूह को रिस्क मिल रहा है? कहा जी सरकार मिल रहा है। कहा पैदा होने वाले पैदा हो रहे हैं? कहा जी सरकार हो रहे हैं। कहा मरने वालों को मौत आ रही है? कहा जी सरकार आ रही है। कहा फिर देख के बताना कि माओं के शिकमों में बच्चों की शक्लें बन रही हैं? कहा जी सरकार बन रही है। कोट चौधरी वालों, अली देख के कहते हैं जरा कान लगा के सुन, उस अल्लाह के नाम की आजान हो रही है, उसे सजदा हो रहा है? कहा जी सरकार हो रहा है। अली मुस्कुरा के कहते हैं अबू जर अगर ये सारा कुछ हो रहा है तो फिर तुझसे किसने कहा है कि अली का इख्तदार छिन गया है? फिर तुझसे किसने कहा कि अली का इख्तदार छिन गया? और मैं बुजुर्गों की बात को ही आगे बढ़ाता हूं। यही अबू जर जब शाम में आए तो अबू जर का मामूल था कि अली पढ़ते थे, फजाइल अली अमीर पढ़ते थे अबू जर। अच्छा, मदीने में बहुत ज्यादा चुप रहता था, मदीने में ज्यादा गुफ्तगु नहीं है सरकारे अबू जर की बंदों से। एक ही जुमला मदीने का मशहूर है जिसकी वजह से सरकार ने कहा था कि ज़मीन ने उसका वज़न नहीं उठाया, आसमान ने उसके सर पे साया नहीं किया जो मेरे अबू जर से बड़ा सच्चा है।
आज अगर कोर्ट चौधरियों वाले इजाजत दें तो वो सच सुनाऊं कि अबू जर क्या कहते थे। इज्जत परवरदिगार की कसम ने जब मगरब इशा की नमाज पढ़ के बंदे अपने घरों को चले जाते ना तो ये देहात है यहाँ आज भी यही माहौल है कि या तो मगरब इशा पढ़ने से पहले खाना खा लिया जाता है या फिर सारा कबीला सारा घर इकट्ठा होकर मगरब इशा के फौरन बाद मेल के बैठ के खाना खाता है। मदीने का भी मामूल यही था कि लोग मगरब पढ़ने के बाद मस्जिद से निकलते थे अपने घरों में अपनी औलाद के साथ इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे और सरकार अबू जर मस्जिद में से नमाज पढ़ने के बाद अपने घर नहीं जाते थे, साथ एक लाठी होती थी उस लाठी को दीवारों पे मारते थे जैसे ये शहरों में देहातों में पहरा लगता है ना, लोग कहते हैं जागते रहना जागते रहना जागते रहना। अबू जर भी लोगों को मुखातिब करके कहता था लोगों मेरी बात सुनो, लोगों मेरी बात सुनो, लोगों मेरी बात सुनो, सच सुनाऊं अगर कोई सुन सकता है। अबू जर घरों के दरवाजे खटखटाता, घर का बड़ा बाहर निकलता तो अबू जर कहता पाल तो रहे हो इन्हें खाना खिलाने से पहले इन पे अली की विलायत पेश करके पता कर लो हलाल जादे पाल रहे हो के हराम जादे पाल रहे हो। बिल्कुल बोलो हैदरी आलिया मेरी लो सलामत में जी आप आबाद और शाद हो गई है मेरे हिस्से की नौकरी। अच्छा एक नारा लगा है इस मजमे में से, अगर आप खड़े हो उठे, इन बच्चों ने लगाया नारा, बड़ा मजा आया मुझे और अल्लाह आप करे कि ऐसे ही मलंग रहे हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए, मैंने जानबूझ के उठाया क्योंकि ये कोट चौधरियाँ के मेरे मजमे में सफ़ेद बालों वाले बुज़ुर्ग ज़्यादा हैं, लेकिन आपने इन बच्चों का एतमाद देखा कि इतने बड़े इज्तिमा में इतने सन का बच्चा गुम हो जाए तो वो अपने बाप का नाम नहीं बता सकता कि मैं बेटा किसका हूँ कहाँ से आया हूँ। बच्चे रोते हैं परेशान होते हैं, लेकिन देखें जिस एतमाद से 70-80 साल 90 साल के बुजुर्ग बैठे हैं उसी एतमाद से वो बच्चा बैठा है। जिस खूबसूरती के साथ जवान या अली कहते हैं उससे ज़्यादा खूबसूरत उस बच्चे ने या अली कहा है, उसकी वजह कोट चौधरियाँ वालों हम ज़माने को यही बताते आ रहे हैं कि दिल में मिसले अबू जर अली हो तो फिर उम्र का असर नहीं होता। मैं क्या कहने आपके, जिस तक बात पहुँची है सलामत रहें आप, दिल में अली हो ना फिर उम्र का असर नहीं होता। अबू जर सरकार को वतन बदर कर दिया गया, शाम भेज दिया गया कि मदीने में इसकी जगह नहीं। ये रोज कोई ना कोई हदीस निकाल के ले आता है अली की फजीलत में, ये बंदों को याद करवाता है, लिहाजा उसे वहां भेज दो जहां अली पढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। जी हाँ भाई, कोट चौधरियाँ आए हूँ ना मजलिस पढ़ने के लिए, मुझे पता है सारा इलाका शिया है, मेरे सामने जितनी अक्सरियत है मुहिब्बे अहले बैत हैं सारे, यहाँ मेरे लिए अली पढ़ना आसान है। तो जो इकरामत साहब मजलिस रख लैन उत्थे जिथे रायवेंड इजतमा होंदा है, तो मैं आखन भी बाबा जी तुम एडा सोहना पढ़ते हो तो उत्थे पढ़नी जे, तो मैं तो हाथी जोड़ लेना भी ना किसी होर ही पढ़ना। कोट चौधरियाँ वालों अबू जर अली अकीदे के कोट चौधरियाँ में नहीं पढ़ता था, रायविंड में पढ़ता था, अकीदे के रायविंड में अली पढ़ते थे सरकारे अबू जर। और अब तो आसानियाँ ही बड़ी हो गई हैं कि अब तो मैं लाख करोड़ सलाम करूं मेरे मोहसिन सही मानों में खतीब आलमे इस्लाम जनाबे तारक जमील साहब ने, उन्होंने ये झगड़ा ही ख़त्म कर दिया, उन्होंने कहा है कि अली को सिर्फ अली रजी अल्लाह ना कहा करो मौला कहा करो। अब ये झगड़ों का दौर ही नहीं है जी, अपने लोगों से, अपने लोगों से कहा, सुभान अल्लाह। बुजुर्ग फरमा रहे हैं
ये जुमला उनका मेरे इल्म में नहीं था, चले इजाफा हो गया। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि यार अली के बोक्स शियों की नफरत में आप अली से दूर हो रहे हैं, और ये मिन्नत मैं बहुत अरसा पहले कर चुका हूँ मिल्लत मुस्लिमा की कि मेहरबानी करें चौधरी करामत साहब की चिड़ में या इनके बेटों की चिड़ में मुर्तजा असद की जिद में हुसैन जैसी नेमत हमारे खाते में ना डालें। ये सबके हैं। अबू जर मुश्किल माहौल में अली पढ़ते थे, और जब अबू जर अली पढ़ते थे ना तो फिर शाम में सारी जिंदगी अबू जर ने कुर्ता नहीं पहना। हाय हाय, कुछ मोहसिनों ने लुत्फ लिया है, जो पहुंचे हैं जो मेरे साथ हैं उन्हें लुत्फ आया है। जो हैरान है ना कि ये कौन सी बड़ी बात है कुर्ता नहीं पहना। कुर्ता नहीं पहनते थे सरकारे अबू जर। लोगों ने एक दिन पूछ लिया, अबू जर आप रसूल के बुजुर्ग सहाबी हैं, हर जगह का हर मुकाम का एक बाकायदा से ड्रेस कोड होता है, वो लिबास जरूरी है, और हम आपको मदीने से जानते हैं, मदीने में तो आप कुर्ता पहनते थे जुब्बा पहनते थे, यहां आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते, सिर्फ बाश मुताबिक शरीयत मुस्तफा सतर पोशी करके ही आप गलियों बाजारों में चलते हैं, और तबलीग सारा दिन आप अली बादशाह की विलायत की करते हैं, तो ये लोगों को कैसा पैगाम देते हैं कि ऐसे होते हैं अली के नौकर जिनको कपड़े पहनने का भी नहीं पता। सरकार अबू जर फरमाते हैं खबरदार खामोश, मैं मदीने में कुर्ता पहनता था, शाम में मैं जान बूझ के कुर्ता नहीं पहनता, उसकी वजह है कि मदीने में चुप रहता था, शाम में मैं पढ़ता हूँ विलायत अली, और मुझे पता है कि शाम में अली की विलायत की तबलीग करने की सजा है कोड़े, और मैं नहीं चाहता कि अली की मोहब्बत में कोड़े खाते हुए कमीज उतारने की देर हो। मैं क्या कहने, जिंदा और सलामत रहे। हैं बतूल के नौकर। कल एक फिक्रा कहा था कि मुस्तफा के नौकर जन्नत के शौकीन है, जन्नत बतूल के नौकरों की शौकीन है, और बतूल के नौकरों ही में से आज एक का तस्करा कर देते हैं और थोड़ा सा। नाम है सरकारे बिलाल, और मैं ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ अपने नौजवानों को बिलाल सुनाने की, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुआशरे में ना एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, सरकारे बिलाल के मुतल्लक बंदे मनफी बातें करने लग गए। नहीं, सरकारे बिलाल के मुतल्लक ऐसी कोई बात भी नहीं, और वो गलत कैसे हो सकता है जैसे जिसे सैयदा चाचा कहे। बिलाल आलम रब्बानी है, हम आलम नहीं हैं। मैंने शायद पहले दिन भी अर्ज किया था कि हम में से कोई भी आलम नहीं, हमारे पास मालूमात हैं इल्म नहीं, जो जो सब किताबों में लिखा है ना वो मालूमात हैं। ये किसी का मालूम करता है कि दो जमा दो बराबर चार होता है, ये किसी का मालूम करता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो पानी बन जाता है, ये किसी का मालूम करता है कि पाकिस्तान का रकबा 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर है। ये इल्म नहीं, इल्म किन के पास है? कोट चौधरियाँ वालों, इल्म सिर्फ उनके पास है जिन्हें बाबे मदीना तुल इल्म की मारिफत है। इल्म और शै, मालूमात और शै। मालूमात तो कोई भी इकट्ठी कर सकता है, आलम होना बड़ी बात है। इल्म और मालूम में बड़ा फर्क है। चलो
इल्म और मालूम का फ़र्क मैं एक फिक्रे में वाजे कर दूँ, मेरे बुजुर्ग जवान, मेरे एज फेलोज, बच्चे बेटे सारे ही समझें कि इल्म और मालूम में फ़र्क क्या है। ये हमारे पास जितनी है ना ये मालूमात हैं, ये इल्म नहीं है। इल्म और शे है, मालूमात और शे हैं। कोट चौधरियाँ वालों, ये मालूम सारे मदीने को था कि इस शहर में बतूल की दहलीज है। ये इल्म सिर्फ बिलाल के पास था कि सर इस दहलीज पे हो तो कदम सूरज के सीने पे होता है। मैं क्या कहने, आप जिंदा सलामत रहे, जिए आप। हैदरी आली आली आली, हैदरी। यही बिलाल है। एक दिन लोगों ने आके सरकार रिसालत पना से कहा, सरकार आपका मुअज्जन है, हमें अच्छा नहीं लगता। और ये उन्हीं लोगों की बात है जिनके मुतल्लक कुरान में पूरी सूरह मुनाफिकून है। बैठते मुस्तफा के पास थे मुनाफिक, आ गए सरकार आपका मुअज्जन है, हमें अच्छा नहीं लगता। मुस्तफा फरमाते हैं, तुम्हारा मुझे नहीं पता, जिसकी आजान है उसे बड़ा पसंद है। तुम्हारा नहीं पता, जिसकी आजान है ना ये मुअज्जिन, उसे बड़ा पसंद है। का सरकार आओ जी, बिस्मिल्लाह आओ, तशरीफ लाए, सलवात पढ़िए एक बाबा। मेरे मालिक के मद्दा हैं, जिंदगी हयाती में मुझसे छोटे हो सकते हैं, जाकरी में छोटे नहीं, क्योंकि इस बार का मैं सारे ही मांगने वाले हैं, यहां कोई छोटा बड़ा नहीं है। पर हम तो सारे आले मोहम्मद के दरवाजे के मांगत हैं ना, और मांगतों में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। कोट चौधरियां वालों, मांगतों की क्लास नहीं होती, ये ए क्लास है या बी क्लास है। हम सारे ही इस दरवाजे के कमी हैं। मुस्तफा के बेटों की नातें पढ़ के, कसीदे पढ़ के हम अपने बच्चों का रिज्क इकट्ठा करते हैं, और अच्छे मांगने वाले वही होते हैं जो अपने बाद मांगने आने वालों के लिए रास्ता बनाए। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। और इन बच्चों को देख के, इन बच्चों को देख के ये यकीन है कि मेरी कौम का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है, कोई फिक्र नहीं हमें। हाँ, एक अपील में आज, चूंकि बच्चे भी मजलिस में उतने ही हैं जितने बड़े हैं, आज बच्चों से भी एक अपील करता हूँ। मेरा चांद एक नमाज जरूर पढ़े, दूसरा हुसैन का मातम जरूर करे। नमाज इसलिए नहीं पढ़नी कि हुसैन के मातम के बाद आपको नमाजी होने का सबूत देने की जरूरत है। हुसैन के मातमी को नमाजी होने का सबूत देने की जरूरत ही नहीं, जरूरत है नमाजी को कि वो हुसैन हुसैन करके सबूत दे कि मैं हुसैनी हूं। इसी डेरे में एक बात हुई थी मोहम्मद मासूमी साहब जी, उन्होंने कहा था कि अगर क़यामत के दिन इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे कंधे से पकड़ लिया कि सूरह सवाने से पैदा 71 लाशें मैं उठा चुका था, मेरी नमाज कजा नहीं हुई, तेरी नमाज ऐसी पंखे कूलर के नीचे कजा क्यों हुई है, जवाब क्या देंगे जी? नमाज कजा होनी ही नहीं चाहिए। मैं तो पहले अर्ज कर रहा हूं कि मातमी का हक ही नहीं बनता वो नमाज छोड़े, और वो कभी भी नमाज नहीं छोड़ता जिसे नमाज समझ आ जाए। सजदे में सर रख के हुसैन को याद करो, नमाज से बड़ा मातमी कोई नहीं। नमाज ही हुसैन का मातम है। और मैंने मिंबर से ये बहस कभी नहीं की
जी नमाज पढ़ें कि मातम करें, ये फजूल बात है मेरे मोहसिनों। ये बातें वो बंदा करता है जिसने दो में से एक करनी हो। हमारा दोनों के बगैर ही गुजारा नहीं। नमाज बर वक्त है, हुसैन हर वक्त है। सरकारे बिलाल पे बात हो रही थी, गल याद जे के भूल गई, तवज्जो है ना, गल करा। लोगों ने आके कहा सरकार ये हमें अच्छा नहीं लगता, फरमाते हैं जिसकी आजान है उसे पसंद है। कहा सरकार हटाएं, मुस्कुरा के फरमाते हैं तुम्हें हमारा जर्फ नहीं ना पता, हम जिसे एक बार जो दे दें वापस नहीं लेते, हम नहीं हटाते, तुमसे हटता है तो हटा लो। इन्होंने कहा सरकार मसला बड़ा है, हम अरबी हैं, और जो बंदा जिंदगी में किसी अरब रियासत में गया है रहा है उसका लिंक है ना, उसे पता है कि अरबी किसी गैर अरबी को बर्दाश्त नहीं करते। अब अरबियों पे एक गैर अरब हबशी मुअज्जन, इन्होंने बहाना बनाया सरकार ये अशहादों को असहादों कहता है, ये शीन की जगह पे सीन पड़ता है, इससे बड़ा इज्जत बिलाल का जुमला, आओ मुझसे सहाबियत मुस्तफ़ा सुनो कि मुस्तफ़ा के सहाबी होते कैसे हैं। शिया सुनियों मा यार अपने अपने हैं नज़र, हर किसी की अपनी अपनी है, लेकिन क्या कहूँ उस नौकर बतूल की इज्जत पे, उस नौकर मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए कि जिसके लिए मोहम्मद की जुबान वही कह रही है, लोगों खामोश हो जाओ। असीन बिलाल शीन मेरे बिलाल की सीन भी अल्लाह के नजदीक शीन जैसी है। मैं क्या कहने आप हैदरिया, सरकार फरमाते हैं मुझसे नहीं हटता, तुम हटा लो। अब ये आए सरकारे बिलाल के पास, बिलाल तुम ना कल से कोई और काम करो, तुम कल से आजान नहीं दोगे। शायद ये फिक्रा मिंबर की तारीख में इस रंग में पहले न पड़ा गया हो। मुतमईन हो के अपनी जगह से उठा नफ्से मुतमईना का नौकर, उठे हुए हाथों को मेरा सलाम। ने फिक्रा अगला है जो इख्तियार बिलाल पे अर्ज करना है, जिनका सर बतूल की दहलीज पे हो, ये उसे यकीन की दौलत से नवाज देते हैं और मुस्तफ़ा के नौकर के दामन में दौलते हैं। यकीन देखना कोट चौधरिया वालों, जब इन्होंने कहा ना कि तुम कल से आजान नहीं दोगे, जेरे लब मुस्कुराया, हल्के से आवाज में बोल के कहता है ठीक है हम आजान नहीं देंगे, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। मैं क्या कहने आपके, जिंदा और सलामत रहें जैसे मेरी बात पहुंची है, आबाद और शाद रहे, ठीक है। आप कल से नमाज नहीं पढ़ेंगे। इन्होंने एक दूसरे को देखा, लो ए नवी गल, नमाज नहीं पढ़नी। अच्छा, जिन बंदों को नमाज पढ़ने की आदत है ना, आदत और होती है इबादत और होती है। इबादत और आदत में ना सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है, और वो नुक्ता है बे का नुक्ता। भाई क्या कहने आपके, जिन मोहसिनों के इस बात पे हाथ उठे हैं मिंबर की बारगाह से हाथ उठा के मैं सलाम पेश करता हूँ। इस मारिफत को इतने देहाती माहौल में इतनी मुश्किल बात आपने इतनी आसान करके सुनी है कि मेरा कलेजा बड़ा हो गया है। आदत और इबादत में सिर्फ एक फर्क है, वो नुक्ते का है और वो नुक्ता है बे का। और मेरे मौला मुत्तकियान फरमाते हैं कि लोगो याद रखो, अना नुक्ता तो तहतल बा, मैं अली वो नुक्ता हूँ जो बा के नीचे है। अब बची हुई आवाज जाने और तू जान, अल्लाह की इज्जत की कसम है, यही तो हम दुनिया को समझाते आए हैं कि इबादत में से बे का नुक्ता निकल जाए तो पीछे आदत बच जाती है। भाई क्या कहने आपके, जिंदा और सलामत रहें जी, आप आबाद और शाद रहें। इबादत में से बे का नुक्ता निकल जाए ना, पीछे आदत रह जाती है। अब ये थे आदती नमाजी,
इबादती नहीं आदती। जी मैं भी उस आदत की गल प्या करना कि मैं भी वही प्या आखना आदि थे ना। जो बंदा नमाज का आदि है ना उसे रात को चैन नहीं आता। ए अलार्म शलार्म तो हूँ निकले ने ना भी मोबाइलों पर अजने असी ला लें भी चलो साढ़े त्रै बजे अख खुल जाए तो अगले बंद आप ही खुल जाती सी। नमाज का टाइम होता था उनकी आँख खुल जाती थी। मतलब जिस मादी है ना जी हर बंदे की नींद का एक स्टेमिना है। मेरा स्टेमिना 3.5 से 4 घंटे है। मैं 24 घंटे में इतना सो लूँ ना तो मैं फ्रेश हो जाता हूँ जिस टाइम भी सो जाऊँ। मुझे ये भी मजबूरी नहीं मेरे मालिक के करम से कि अभी सोना है। अब इनका भी एक स्टेमिना था वो पूरा हो गया। उठे बाहर जाके देखा अभी आधी रात है। अंधेरे में भटकने वाले सितारे तलाश करने लगे। हाय 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 बड़ा बारीक जुमला था यार आपने बड़ा अच्छा सुना। अंधेरे में भटकने वाले सितारे तलाश करने लगे। एक साहब उठे बार बार उठे बार बार उठे आधी रात। अब जाके ना अपनी बेगम को उठाया मुन्ने की अम्मा उठो। वो कहने लगी आपने जिंदगी में कभी पहले तो इस वक्त नहीं उठाया। वो मसला है जाके जरा देख तो सही मुझे कुछ हो गया है कि रात को मसला है। ने कहा ऐसी कौन सी बात है का उठना देख तो सही मैं बड़ी देर से मेरा जिस्म कह रहा है कि मैं थक गया हूं सो सो के मैं बेकरार हूं मैं बेचैन हूं। अब जुमला बड़ा बारीक है हर बंदा नहीं समझेगा। वो कहने लगी जाए बाहर आधी रात का वक्त है अपनी गपशप के लिए कोई बंदा तलाश कर। जाए गपशप करें आप जरा सो सो के थक गए हैं फ्रेश हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं मसला ये नहीं है मैं तुझे कह रहा हूं ना रात चल नहीं रही। वो बाहर निकली आसमान देख के कहती है लगता तो मुझे भी यही है कि किसी ने रोक रखी है। हाय 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 मैं क्या कहने आपके लगता तो मुझे भी यही है कि किसी ने रोक रखी है। अब एक घर से निकला दूसरे घर से निकले तीसरे घर ये इकट्ठे होते होते ना वो सवेर वाले 5-7 जने इकट्ठे हो गए जिन्हें सरकारे बिलाल नू डकिया सी। तेरा ये गल पता लग गई भी ओ ले उस आख्या सी भी ठीक है मैं अजान नहीं दिंदा तुसी नमाज ना पढ़े अज ये तो जनाबे बिलाल दी वारदात है सारी। कुछ जुमले आपकी तवाजो के लिए भी है ना कि जरा माहौल खुशगवार रहे। अब आए वहां जहां बिलाल सो रहे थे पैरों काली तरफ आके खड़े हो गए। बिलाल के पैरों से कपड़ा हटाया कदमों पे हाथ रख के हिलाने लगे। सरकारे बिलाल उठिए। मैं क्या कहने आपके जिंदा और सलामत रहें। जो बंदे अभी तक एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं ना कि ये 5-7 बंदों को क्या हुआ है इतनी खूबसूरत दाद और बेसाख्ता दाद क्यों आई है। जो कल कह रहे थे ना कि तुम आजान नहीं दोगे आज आजान के वक्त आके कह रहे हैं सरकारे बिलाल उठिए सरकारे बिलाल उठिए। अब फिक्र कहूँ अल्लाह की इज्जत की कसम में सरकारे बिलाल ने अपने मुँह से सफ़ेद चादर हटा के सुर्ख आंखें खोल के इनके काले मुंह देखे। आंखें खुली क्या हुआ सरकार उठिए। जुमला ये है अब हाथ कदमों पे है मिन्नतें करके कह रहे हैं सरकार उठिए। सरकारे बिलाल मुस्कुरा के कहते हैं बदबख्तो अब तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि अल्लाह की कायनात में औकात का तयन बतूल की दहलीज करती है।
कही, नमाज उम्मत की हो गई। यहां फिक्र है इज्जत सैयदा का। आजान वाजिब नहीं, नमाज वाजिब है। फिक का मसला है, मुझसे बेहतर फिक को समझने वाले, शरा को समझने वाले बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, आप ताईद फरमाएंगे। आसान वाजिब नहीं, नमाज वाजिब है। आजान मुस्तहब है। मुस्तहब क्या होता है? आजान दे लो तो भी ठीक है, अमले खैर है, सवाब है, कोई ना भी दे तो गुनाह कोई नहीं। नमाज क्या है? नमाज वाजिब है, न करो तो सजा है। अब इससे बड़ा फिक्रा इज्जत सैयदा पे मुझे आता ही नहीं। आजान देनी थी बिलाल ने, नमाज पढ़नी थी उम्मत ने। आजान मुस्तहब है, नमाज वाजिब है, मिल्लत मुस्लिमा। आओ तुम्हें बताऊं बतूल किसे कहते हैं। अल्लाह जिसके दहलीज के नौकर के मुस्तहब के लिए अपना वाजिब रोक देना। जिसके नौकर के मुस्तहब के लिए अल्लाह अपना वाजिब रोके उसे बतूल कहते हैं। और मुसलमानों, थोड़ा नहीं मारा लोगों ने जहरा को, अजरकुम मिनल्लाह। माँ हुसैन बादशाह की राजी हो, बेटों के बेटियों के दुख ना देखो कभी, जिस बंदे की हाय निकलेगी। बड़ा मारा है, बहुत ज्यादा मारा लोगों ने मोहम्मद की बेटी को। और अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं मोहम्मद की बेटी समझ के नहीं, अली की जौजा समझ के मारते रहे। अल्लाह अकबर। बिल्कुल करीब से दो तीन जुमले मैं मुसीबत के अर्ज करूंगा, लंबा मसाइब नहीं पढ़ना आज, वक्त काफ़ी गुजर गया, 50 मिनट हो गए हैं मुझे पढ़ते। एक बार फिर सुनिए, थोड़ा नहीं मारा। और शायद इस फिक्रे पे मेरे हिस्से की मजलिस हो जाए चौधरी साहब। बंदे कहते हैं कि जिसका भाई कोई नहीं था उसे घर जा के मारा, जिसके 18 थे उसे बाजारों में मारा। या बंदे तेरे डर से ऐसा पढ़ते हैं, या बंदों का इल्म दुरुस्त नहीं, मालूमात सही नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जिन्होंने आलिया को बाजारों में मारा था, उन्होंने सैयदा को भी मदीने के बाजारों में मारा है। मैं जुमला पहुंचा नहीं सका, आपको समझ नहीं आई, शायद मैं पढ़ने में जल्दी कर गया हूं। सिर्फ घर में नहीं मारा, मेरी एक बेटी है 18 माह की, और शिया सुन्नी अहबाब मुझे वो अल्लाह की कायनात में सबसे प्यारी है। अगर कोई मेरा अहले सुन्नत भाई सुन रहा है, अलम से बड़ी कसम मेरे पास नहीं, बेटी से बड़ा हल्फ नहीं। अगर मैं किसी की मुखालफत में कहूं ना जुमला, तो अल्लाह करे मेरी बेटी रुल जाए। अब भी जिस बंदे का दिल बतूल के दुख पे ना पिघले, वो मुकद्दर का गिला करे। अल्लाह की इज्जत की कसम है, लोगों ने जहरा को मोहम्मद की कब्र पे मारा है। मुस्तफा की कब्र पे मारा, कोई ज्यादा फासला नहीं था। चलो आज एक फिक्रा पढ़ता हूं, ऐसे दरबार नहीं आई जैसे बंदे पढ़ते हैं, हादसा नहीं हुआ। मैंने किताबों में लफ्ज पढ़े हैं कि अपने बुरके के ऊपर अपने बाबा का कुर्ता पहन के, हसास रहन का बंदा आवाज बचाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने सर के ऊपर बाबा का इमामा रख के आई,
فکرہ اگلا کہوں تیرے ماتم کے لیے، اللہ کی عزت کی قسم میں پردے کے پیچھے سے بولتی بتول تھی، لوگ محمد کی قبر کی طرف دیکھتے تھے۔ یہ آپ نے سن رکھا ہے، دیر کتنی لگی، ہم پاگل ہیں، ہم روتے ہیں، نہ روئیں۔ دو نمازوں کا درمیانی وقفہ کھڑی رہی محمد کی بیٹی اور ہنستے رہے لوگ۔ بسم اللہ اجرکم من اللہ، ماں حسین بادشاہ کی راضی ہو آئے کرتے آئیں گے آپ، بس شاید یہیں ختم کر دوں۔ آپ کے گریے میں میں رکاوٹ بنوں تو مجھے معاف کیجئے گا، ویسے میں گھنٹوں کے حساب سے بھی اس بی بی کے دکھ پڑوں نا تو ختم نہیں ہوتے۔ چل مجلس لائیو جا رہی ہے، ہو سکتا ہے میرا کوئی اہل سنت بھائی یہاں موجود ہو، آپ نہیں مانتے نا کہ نہیں مارا، میں کہتا ہوں جاؤ ہم بھی مانتے ہیں نہیں مارا، لیکن یہ تو فیصلہ کر کے بتاؤ وہ بات کون سی تھی جس نے زہرا کے بال سفید کر دی۔ ہر 18 سال 5 دن کی زہرا، سارے بال سفید، اور زیادہ سے زیادہ 4.5 گھنٹے کی پیشی، بال ایسے سفید ہو جاتے ہیں۔ بالوں کا سفید ہونا جناب چودھری کرامت سب ایک لمبا عمل ہے۔ یہ میرے بیٹے بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں چھوٹے، ان میں سے شاید کوئی 16-18 سال کا ہو، سر دیکھیں کوئی ایک بال بھی سفید نہیں، اور شیعہ سنی دوستو سارے بال اکٹھے سفید نہیں ہوتے، آہستہ آہستہ کر کے بال سفید ہوتے ہیں، پہلے سر میں سفیدی آتی ہے، پھر تھوڑے سے اور بال بڑھ جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے نا یہاں 70-80 سال کے جو بزرگ بیٹھے ہیں نا، کم از کم 70 سال کے، ان کے سارے بال سفید ہیں، اس سے کم جو بھی بندہ ہے اس کے کچھ سفید ہیں اور کچھ کالے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم میں 4.5 گھنٹے کے بعد بتول کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ اگر میں جملہ سمجھا جاؤں نا تو یہی ماتم کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم میں باپ کے بعد دربار والے 4.5 گھنٹے محمد کی بیٹی کی زندگی کے 60 سال کھا گئے، اتنی ضعیف ہو گئی جتنا کوئی 60 سالوں میں ہوتا ہے۔ کمر پہ ہاتھ رکھ کے سہارا لے کے چلتی تھی، رو کے کہتی تھی بابا میں ضعیف ہو گئی ہوں۔ اجرکم من اللہ، ماں حسین کی راضی ہو۔ اور محسوس کس بات کو کیا سیدات، شاید اس ماحول سے بہتر ماحول ہی نہ ہو شیعہ سنی دوستو یہ بات سمجھانے کے لیے، صرف 4 کھجوروں کی خاطر بال سفید ہوئے۔ کائنات وہ اپنے بیٹوں کا صدقہ بانٹ دے، دعا کرو کسی عزت دار باپ کی شریف بیٹی کا بھرم نہ ٹوٹے۔ بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہیں بھائی زیغم جی، کسی بیٹی کا باپ 350 کا مزدوری کیوں نہ ہو، وہ اسے بادشاہ سمجھ کے خود شہزادیوں کی طرح گھر میں پھرتی ہے۔ کے سب سے بڑے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، مان ٹوٹنا سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ میں یہاں محرم پڑھنے آیا ہوں، میرا تعلق ہے پتوں کی 6 چک، یہ سارا میرے اپنے گھر ہیں، میرے گھر پتہ ہے، میری ماں کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، میری بہنوں کو جو سب پتہ ہے کہ ہمارا بھائی کہاں ہے،
मौत जिंदगी का पता कोई नहीं। मालिक सफ़र हर मद्दा के हर रजादार के बेखतर फरमाए, अल्लाह ना करे इस मजलिस पे आते हो जाए मुझे हादसा, गाड़ी लग जाए, मरूँ ना जख्मी हो जाऊं, घर इतला जाएगी ना तो वो इतला करने वाले को पूछेगी कैफियत क्या है, तो बताने वाला कहेगा जख्मी है लेकिन जिंदा है, होश में है, जख्मी है, चोट आई लेकिन जिंदा है। मेरी माँ और मेरी बहन को ये इत्मीनान होगा कि कोट चौधरियों वालों से हमारे भाई बेटे का ताल्लुक है, अलीपुर वालों से ताल्लुक है, कोई ना कोई अलीपुर से पहुंच जाएगा, कोई ना कोई कोट चौधरिया से पहुंच जाएगा, उसे संभाल लेंगे। लेकिन माँ और बहन का दिल है ना, वो घर रह नहीं सकेंगी, गाड़ी का इंतज़ाम होगा, वो सफ़र करके आएंगी, लेकिन मुतमईन आएंगी, उन्हें ये इत्मीनान है कि हमारे भाई का ताल्लुक है। अल्लाह की इज्जत की कसम, में इसी इत्मीनान पे ही मोहम्मद की बेटी मोहम्मद का इमामा सर पे रख के चली थी कि मेरे बाबा का ताल्लुक है, और कुछ ना हुआ मेरा हया जरूर करेंगे। और मिल्लत मुस्लिमा बतूल के बाल सफेद हो गए जब बाप के ताल्लुकदारों ने तू कह के बुलाया, रो के कहती है ओ बाबा मुझे हक ना देते तेरा हया ना उतारते। अजरकुम मिनल्लाह, अजरकुम मिनल्लाह। बस आखिरी फिक्रा और सलाम करूं, मान टूट गया कि मैं तो समझती थी मेरे बाबा का ताल्लुक बड़ा है। बादशाह अली को मेरी मुअज्जमा ने वसीयत की थी, बादशाह अली को मेरी मुअज्जमा ने वसीयत की थी, या अली मेरी कब्र एक ना बनाना। या अली जिन्होंने घर नहीं छोड़ा वो कब्र को भी माफी नहीं देंगे। मैं सदके मैं कुर्बान जाऊं, हो गई है मेरे हिस्से की मजलिस, बस इसी को काफी समझें। दो जुमले पढ़ूं बीबी के, एक हसरत का पढ़ता हूं और एक वसीयत का पढ़ता हूं, और इसी पे ही मैं अपने मोहसिन को मिंबर दे दूं। रो पड़े हैं आप, बड़ा रो लिया है आपने। एक है मोहम्मद की बेटी की हसरत, रो रो के कहती थी या अली मेरे दिल का बड़ा अरमान था मैं बाबा के बाद तुझे तख्त पे देखती। ओ मातमी अलादा रो, अगली वसीयत मैं पढ़ूं, जिस बंदे के घर में औलाद है, जिसके सीने में गोश्त का दिल है और वो कलमा मोहम्मद का पढ़ता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना रोए। बंदे कहते हैं बताओ तो सही मोहम्मद की बेटी जख्मी कितनी थी, सिर्फ बाजू टूटा हुआ नहीं था, बाजू टूटा हुआ होना तो गुजारा हो जाता है। अल्लाह की इज्जत की कसम में मोहम्मद की बेटी की पसलियाँ तोड़ दी थी मुसलमानों ने। अमीर है वो बंदा जिसकी आय ना निकले तकलीफ, पता है कितनी थी। वसीयत करते हुए कह रही थी या अली जब मैं मर जाऊं कब्र में तुम उतारोगे तलकीन, तुम पढ़ोगे अली मेरी मिन्नत है मेरे कंधे आराम से हिलाना, मेरी पसलियों में दर्द होता है और मेरी पसलियां टूट गई हैं।